गाइस आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हाय गाइस, एवरीवन इज डूइंग वेल। शौर्य और विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द 10% रेफरल कोड इज संजय टू SANJAYTWO। और इस वक्त हम इम्पॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं CDS एग्जामिनेशन के लिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था आपको, आने वाले दिनों के अंदर CDS एग्जामिनेशन, तो CDS का एग्जाम होने वाला है नवंबर के महीने के अंदर, मैं यहाँ पर आपको MCQ कराऊंगा। जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकते हैं, इवेंचुअली जरूरी नहीं कि यही MCQ वहाँ आएंगे, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। उसके साथ डिफेंस से इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें, वॉर एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपकी, या जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, काफ़ी सारे वीडियोज और कॉन्टेंट को मैं यहाँ पर बनाऊंगा, क्रिएट करके आप लोगों के लिए डालूंगा। उसके अलावा जो संजीव तिवारी है, वो जिसका आपने देखा है कि वीडियो भी लिया है संजीव ने प्लेटफॉर्म के ऊपर, संजीव हैज क्लियर दी द कट ऑफ फॉर इन द इंडियन एयर फोर्स एंड ही हैज आल्सो बीन रिकमेंडेड। साइंस पे उनका ज्यादा फोकस है, तो साइंस के PYQs भी वो आपको यहाँ पर कराएंगे। तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड ऑन द स्लाइड। करंट अफेयर MCQs हम कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं पहले MCQ की तरफ। तो पहला आपका MCQ है, विच बैंक हैज साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन आर्मी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज टू द इंडियन आर्मी अंडर इट्स पावर सल्यूट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक। तो रिसेंटली भैया किस बैंक ने MOU साइन करा है? MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके की एग्रीमेंट होती है। तो भारतीय थल सेना के साथ किस बैंक ने साइन करा है? एक्सिस बैंक ने साइन करा है। ज्यादातर जब कोई तुक्का मारता है तो उसे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, और प्राइवेट बैंक में होगा तो ICICI बैंक होगा। तो भैया इसका आंसर एक्सिस बैंक है। और मैंने क्या कर दिया है कि पहले इसी स्लाइड के ऊपर मेरा फोकस ये रहेगा कि एक ही स्लाइड के ऊपर अगर कोई एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको एक ही स्लाइड पे मिल जाए, रादर देन 2 सेकेंड। कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ भी डाल दिया जाए तो एक ही स्लाइड पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर डाला हुआ है, एक्सिस बैंक है इसका आंसर। क्योंकि बाद में अगर आप इसी वीडियो को 1.5x या 1.25x या 1.7 या 2 पर देखते हो एग्जाम से थोड़े दिन पहले, जब हम MCQs रिवाइज करते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी स्लाइड पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, मैंने नीचे ही आपको येलो के अंदर और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। तो विद रेफरेंस टू मेगा फूड पार्क स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इंप्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। स्कीम इज बेस्ड ऑन द क्लस्टर अप्रोच। ठीक है, कि इट इन्विसाजेस अ मैकेनिज्म टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द मार्केट। तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है उसके बारे में निर्मला सीतारमन मैम ने अपने फाइनेंस बजट, जो एनुअल बजट आता है, उस पर बात करी, और सरकार का काफी फोकस रहा है। फूड पार्क स्कीम की बात करी जो, तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी इस पर काफी बात करी हुई है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, मेगा फूड, फूड का नाम सुनते ही लोगों को लगेगा हाँ भैया फूड बोल रहे, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। नहीं भैया, इसको एग्रीकल्चर नहीं कर रही है, इसको कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और ये बेसिकली क्या क्रिएट करेगा, जो मेगा फूड पार्क स्कीम्स हैं ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, मतलब एग्रीकल्चर को मार्केट से कनेक्ट करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करेगा ये। ठीक है, ये वर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस CAPF पेपर 2 एसए में लिखने के लिए, या SSB लेक्चरेट में बोलने के लिए, या फिर बेसिकली सिविल सर्विसेज में, इसमें काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं कि मेगा फूड्स की, फूड पार्क स्कीम्स के बारे में बताइए, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी क्या एडवांटेज है। तो जो CSE के बच्चे हैं वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में लिखते हैं। तो अगर आपका थोड़ा और इंटरेस्ट हो तो आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज इंप्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम इन द कंट्री, इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। यहीं पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस्टोनिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। एस्टोनिया यूरोप के अंदर है, और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है भैया इसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया है आपके सामने, आपके सामने रशिया है, लाटविया है, उसके बाद यहाँ पर बाल्टिक सी है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क,
इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है। तो प्लीज एक बार इस सेशन के बाद जब आप इस सेशन को देख लो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किनको बोलते हैं, मतलब उनमें कौन कौन सी कंट्री आती है और उनको स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द रीजन फॉर देम। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो एस्टोनिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, इट इज इन यूरोप, प्लीज रिमेंबर इट। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है। तो भैया इसको देहरादून में इनॉग्रेट करा गया है। ये मैंने पिक्चर स्पेसिफिकली इसीलिए डाली है, जहां पर भी पॉसिबल होगा मैं पिक्चर्स को डालूंगा, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी ह्यूमंस की ज्यादा तेज रहती है, इसीलिए हमें मूवी के कैरेक्टर्स वगैरह चेहरे हमें याद हो जाते हैं ना जल्दी, ठीक है। तो इसलिए पिक्चर्स डाली हुई है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेटेड इन देहरादून, ठीक है। देहरादून में क्या है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के अंदर ही है। तो क्रिप्टोग्राम इज अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। द वर्ड क्रिप्टो गैमे इंप्लाइज हिडन रिप्रोडक्शन, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सीड और फ्लावर। यानी कि इसके थ्रू, क्रिप्टो गैमे के थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर सीड और फ्लावर रिप्रोड्यूस नहीं होगा। क्रिप्टो गैम किसे बोलते हैं, वो प्लांट जो अपने आपको रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स की हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से वो अपने आपको रिप्रोड्यूस करेगा। और इंडिया का पहला फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पे लगाया गया है, देहरादून में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आईआईटी हैज लॉन्च फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ब्लॉकचेन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। इसको बनाया है आईआईटी कानपुर ने। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिटकॉइन के अंदर भी यूज होती है और काफी हद तक डार्क नेट के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कराता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन एक वीडियो के अंदर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है समझाऊं, बट ब्लॉक अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो जाकर एटलीस्ट 1 से 2 लाइन ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। बिटकॉइन में यूज होती है, डार्क वेब में भी इसको यूज करते हैं, और आज की डेट के अंदर जो हवाला आपके हवाला ऑर्गेनाइजेशन से हवाला के थ्रू पैसे लॉन्डर करे जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है हवाला ट्रांजैक्शन, हुंडी सिस्टम भी बोलते हैं, वो भी इसको यूज करने लग गए हैं। तो आईआईटी कानपुर का C3I का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, साइबर सिक्योरिटी सेंटर जो है। तो आईआईटी कानपुर C3I हब विल फोकस ऑन सेफ गार्डिंग साइबर स्पेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मेक इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन टू काउंटर राइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना। तो आईआईटी कानपुर साइबर सिक्योरिटी सेंटर हब विल फोकस ऑन सेफ गार्डिंग साइबर स्पेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मेक इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन टू काउंटर राइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। आपको पता ही है चाइना रशिया, दीज आर द कंट्रीज जो वेरियस रिपोर्ट्स ने बताया है कि ये साइबर अटैक्स करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि चाइना के अंदर तो उनकी एक पर्टिकुलर यूनिट है विच वर्क्स डायरेक्टली अंडर द जी जिनपिंग मिनिस्टर्स, और सैंक्शंड है वो गवर्नमेंट से, जो इसी तरीके के कि वो कितने सशक्त है रोकने के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक्स करते हैं, और रिसेंट डेज के अंदर काफी सारे साइबर अटैक्स चाइना के थ्रू इंडिया में करे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 वॉज मेंटल हेल्थ पोस्ट कोविड, The impact of COVID-19 pandemic, fertility, future of vaccination, eradication of hunger across world. तो इसका आंसर है impact of world population day का जो थीम था, that was impact of COVID-19 pandemic on fertility. Fertility basically क्या बताती है, बोलते हैं जैसे कि मदर फर्टाइल है या एज ग्रुप फर्टाइल है, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, इससे बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो फर्टिलिटी शब्द का जो रिलेशन है वो प्रेगनेंसी और बच्चे पैदा करने से है, ठीक है। तो तब पॉपुलेशन से रिलेट करो, पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नए बच्चे पैदा होंगे आपकी, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फर्टिलिटी वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of July, ये भी याद में रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट कराता है, तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट कराता है, एंड इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी को भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। निपुण भारत प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च कराए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कराए। ये चार ऑप्शंस आपको इसीलिए दिए गए क्योंकि इसी तरीके के ऑप्शन आप एग्जाम में भी देख सकते हैं। तो निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव ऑफ
प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी. तो नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है जो आपके निपुण का नाम है और इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर सोरा वाटर सप्लाई स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो ग्रेट सोरा वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च करी है अमित शाह साहब ने. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर कॉन्राड के सांगमा इनॉग्रेटेड द मच अवेटेड ग्रेटर सोरा वाटर सप्लाई स्कीम एट सोहरा इन ईस्ट कासी हिल्स इन मेघालय. अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसके साथ कौन है, दो इंफॉर्मेशन और मिली कि भैया ये कौन सी जगह पर हो रहा है, ये मेघालय में हो रहा है. मेघालय में कहाँ हो रहा है, वेस्ट खासी हिल्स में हो रहा है कि ईस्ट खासी हिल्स में हो रहा है, ईस्ट खासी हिल्स में हो रहा है. और आपने वो सुना ही होगा, ये जो खासी हिल हो गई, जयंतिया हिल्स हो गई आपकी, यहाँ पर आपके लिए और क्या क्या, मौसिन राम फेमस है, चेरापूंजी फेमस है. तो गारो खासी जयंतिया, अगर आप देखोगे गारो खासी जयंतिया इस तरीके से ये मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, जितना मुझे याद है एक बार मैप में चेक कर लेना. गारो खासी जयंती और ईस्ट खासी हिल के अंदर आपके ग्रेटर सोरा वाटर सप्लाई स्कीम को लॉन्च करा गया है. एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय इज कॉन्राड के सांगमा. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड ईरान न्यू प्रेजिडेंट. ईरान के जो न्यू प्रेजिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम राइसी. काफी सारे लोगों को लगेगा हसन रूहानी है, नहीं, हसन रूहानी जी तो हार चुके हैं इलेक्शन. इब्राहिम राइसी साहब अगस्त के अंदर आए हैं, कंजर्वेटिव बोला जाता है, जनरली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बताते हैं ये कंजर्वेटिव है. और प्रेजिडेंट हसन रूहानी जो थे वो लिबरल में काउंट करे जा रहे थे. तो मिस्टर राइसी विल रिप्लेस प्रेजिडेंट हसन रूहानी हुज लैंडमार्क अचीवमेंट वॉज द 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड सिक्स मेजर पावर्स. और राइसी साहब के पास काफी सारी चीजें हैं भैया, विद चाइना से डील करना है और अब बिडेन साहब की सरकार आ गई है, तो देखते हैं राइसी साहब कैसे काम करेंगे. अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो है आज का, इस वीडियो का लास्ट सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी. बेसिकली ये किताब अशोक चक्रवर्ती ने लिखी और इन्होंने बताया है, इन्होंने व्यथा बताई है, इन्होंने कहानी बताई है, इन्होंने अपना किताब के अंदर एक कैरेक्टर लिया है और कैरेक्टर एलियस कैरेक्टर लिया और बताया है कि जैसे इमरजेंसी 75 to 77 वॉज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया डार्केस्ट स्टार्स, ओवर 1,50,000 पीपल वर इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल, एज मेनी एज 11 मिलियन फोर्सिबली स्टेरिलाइज एंड काउंटलेस किल्ड इन पुलिस फायरिंग और अदरवाइज एलिमिनेट कर दिए गए थे. ठीक है, तो इसके अंदर और आप किताब में पढ़ेंगे तो और भी काफी डिटेल्स के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करी गई है कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई होंगी. तो हु इज द ऑथर ऑफ स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती साहब है. ठीक है, तो आई होप दैट यू एंजॉयड ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊंगा आप सबके लिए. एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ देर इज एनी स्पेसिफिक यू वॉन्ट मी टू डू. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, बाय 10% डिस्काउंट कोड इज संजय टू, SANJAYTWO. कोर्सेज लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. जय हिंद, बाय बाय.